हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महराज जर्नी। इस वक्त हम विदिशा के उदयगिरी केव्स को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आइए सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ का टिकट, जो कि 25 रुपये प्रति व्यक्ति है। उदयगिरी केव्स विदिशा बस स्टैंड से लगभग 6 किलोमीटर और रेलवे स्टेशन से लगभग 7 किलोमीटर पड़ता है। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से उदयगिरी केव्स तक आने के लिए आपको ऑटोज बहुत आसानी से मिल जाएंगे, जिसके चार्जेस लगभग 200 रुपये तक हो सकते हैं। लेकिन उदयगिरी केव्स से वापस बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए आपको ऑटोज़ वहाँ से उदयगिरी केव्स से नहीं मिल पाएंगे, तो बेहतर होगा कि आप बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से ऑटो को हायर करके आएँ, जो आपके लिए यहाँ उदयगिरी केव्स में 1-2 घंटे के लिए जो भी है आपका वेट कर सके, जिससे आप वापस से बस स्टैंड रेलवे स्टेशन तक लौट सकें। इसके चार्जेस लगभग 500 रुपये तक हो सकते हैं। तो फाइनली अब हम प्रमुख उदयगिरी केव्स तक पहुंच गए हैं। टिकट काउंटर से यहां तक हमें लगभग आने में 10 मिनट तक का समय लग गया। ऑटोज़ या टैक्सी कैब गाड़ियां वहां पर ही खड़ी हो जाती है, वहां से हमें पैदल पैदल यहां तक आना होता है, बिल्कुल रोड के पैरेलल में। उदयगिरी को पहले नीचे गिरी के नाम से भी जाना जाता था। 10वीं शताब्दी में जब विदिशा धार के परमारों के हाथ में आ गया, तो राजा भोज के पुत्र उदयादित्य ने अपने नाम से इस जगह का नाम उदयगिरी रख दिया था। इन गुफाओं में स्थित शिलालेखों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इन गुफाओं का निर्माण गुप्त नरेशों के द्वारा करवाया गया था। जैसा कि आप सामने ये दृश्य देख सकते हैं, ये पौराणिक कथा से संबंधित है। इसमें दानव हिरण्याक्ष भूदेवी यानी पृथ्वी को उठाकर गहरे पानी में चला गया था। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया और दानव हिरण्याक्ष से भूदेवी की रक्षा की थी, तथा अपने दांतों से उठाकर वापस भूदेवी को ब्रह्मांड में अपनी जगह पर स्थापित किया था। इस पहाड़ी के पूरब की ओर पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाई गई है। प्रस्तर की कटाई कर छोटे छोटे कमरों के रूप में गुफाएं बनाई गई है। साथ ही गुफाओं के अंदर मूर्तियों को भी उत्कीर्ण कर दिया गया है। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ गुफाओं को 4वीं और 5वीं सदी का माना गया है। इनमें गुफा संख्या 1 और 20 को जैन गुफाएं माना गया है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाकी के लोकेशंस को भी एक्सप्लोर करते हैं। ये शेष शाही विष्णु की प्रतिमा है, जिसे एकाश्म पत्थर पर काटकर बनाया गया है, जो कि सबसे विशाल और प्राचीन प्रतिमाओं में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु को अपने सिर के नीचे अपने एक हाथ की टेक लगाए शेष नाग के ऊपर लेटे हुए दर्शाया गया है। उदयगिरी की इन चट्टानों पर शंख लिपि में कुछ लेख उत्कीर्ण मिलते हैं, लेकिन अभी तक इस शंख लिपि का अनुवाद नहीं हो पाया है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इन सीढ़ियों से ऊपर की ओर चलते हैं, इन उदयगिरी के टॉप पर, वहाँ से व्यूज़ को देखेंगे। यहाँ टॉप पर आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से व्यूज़ कितने शानदार लग रहे हैं। बारिश का मौसम भी है, इसलिए चारों ओर सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आ रही है, तो यहाँ से व्यूज़ बहुत ही ऑसम आ रहे हैं।
गाइस हमने सांची के स्तूप और विदिशा के और भी वीडियोस अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो आगे बढ़ते हुए अब हम आ गए हैं इस एक और खूबसूरत सी लोकेशन पर। यहाँ से भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और ये पास में ही एक और गुफा है, लेकिन बारिश भी शुरू हो चुकी है और मौसम बहुत ही शानदार हो चुका है और ये गुफा के अंदर तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है वैसे। तो गाइस इस तरह से हम ऊपर से सीढ़ियों से होते हुए नीचे अब आ चुके हैं। यहाँ पर भी ये कुछ गुफाएं हैं, बारिश भी कंटिन्यू आ रही है। तो इसी के साथ हमने उदयगिरी केव्स को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।